सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट पीपीआर के बारे में। वीडियो अच्छी और लगी तो वीडियो को लाइक जो करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर, हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोसेसिंग टाइम की। सो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कनाडा की वर्क परमिट फ्रॉम आउटसाइड कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो स्पाउस की फाइलों का जो भी प्रोसेसिंग टाइम है वो 41 वीक्स रह गया। अभी थोड़े दिनों पहले 58 वीक्स भी था, फिर 52 वीक्स हो गया, फिर उसके बाद 48 वीक्स हो गया और उसके बाद सीधा 41 वीक्स हो गया। सो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और भी ज्यादा कम हो जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट्स जो भी हमारे चल रहे हैं वो जनवरी की पीपीआर्स भी हमें मई में देखने को मिल रही हैं, दिसंबर की पीपीआर्स मई में देखने को मिल रही हैं। सो ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हमें पुराना जो ट्रेंड था पीपीआर आने का, जो दो मंथ में हमें पीपीआर्स मिलती थी कोविड से पहले, सो वही हमें देखने को मिलेगा। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी आज की पहली टाइमलाइन। 1 सितंबर 2021 की फाइल है, बायोमेट्रिक हुए थे इनके 1 अक्टूबर को, मेडिकल अपडेट 9 फरवरी को हुआ था एंड 25 मई कल इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। आई गॉट पीपीआर टुडे, 27 नवंबर 2021 की फाइल है, बायोमेट्रिक 8 दिसंबर को हुए, अपडेट सेम डे ही हो गए एंड मेडिकल अपफ्रंट था 1 सितंबर 2021 का, मेडिकल अपडेट 10 फरवरी 2022 को हुआ एंड रिव्यू स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ मई में एंड 25 मई को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 26 नवंबर 2021 की एक और टाइमलाइन है। बायोमेट्रिक हुए इनके 29 नवंबर को, मेडिकल पास 16 फरवरी 2022 को हुआ था एंड 25 मई 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 24 नवंबर 2021 की फाइल है, 13 दिसंबर 2021 को इनके बायोमेट्रिक हुए, 24 मई 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई थी। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 16 नवंबर 2021 की फाइल है, 3 दिसंबर 2021 को बायोमेट्रिक हुए, 10 मई 2022 को एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई, 24 मई 2022 को इनको फाइनली पासपोर्ट रिक्वेस्ट मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 1 और नवंबर 2021 की फाइल है। सो नवंबर 2021 की अभी जो भी है वो टाइम चल रहा है उनका, उनकी बहुत सारी पीपीआर्स आ रही हैं। 24 नवंबर 2021 की फाइल है, 28 फरवरी 2019 को बायोमेट्रिक हुए थे एंड 24 मई को इनको भी पीपीआर मिल गई थी। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 27 नवंबर 2021 की फाइल है, 15 दिसंबर 2021 को बायोमेट्रिक हुए थे एंड 24 मई 2022 को इनको भी फाइनली पीपीआर मिल गई थी। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 18 फरवरी 2021 की फाइल है, बायोमेट्रिक हुए थे इनके 23 फरवरी 2021 को, 7 अप्रैल 2022 को इनको एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई थी एंड 25 मई 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई थी। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 12 अक्टूबर 2021 की फाइल है, 8 नवंबर 2021 को इनके बायोमेट्रिक थे एंड 28 अप्रैल 2022 को इनको एडीआर आई थी एंड उसके बाद 24 मई 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 7 दिसंबर 2021 की फाइल है, 17 दिसंबर 2021 को इनके बायोमेट्रिक हुए थे, 10 मई 2022 को एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई थी एंड 24 मई 2022 को इनको भी फाइनली पीपीआर मिल गई थी। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 16 नवंबर 2021 की फाइल है, 24 जुलाई 2019 को इनके बायोमेट्रिक हुए थे एंड 24 मई 2022 को इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 26 नवंबर 2021 की फाइल है, 12 फरवरी 2020 को इनको बायोमेट्रिक हुए थे एंड 24 मई 2022 को इनको भी पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 22 नवंबर 2021 की फाइल है, 10 दिसंबर को इनके बायोमेट्रिक अपडेट हो गए थे, मेडिकल अपडेट 9 फरवरी 2022 को हुआ था, रिव्यू स्टार्ट इनको 4 मई 2022 को हुआ था एंड आज इनको फाइनली 26 मई 2022 को पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, गॉट पीपीआर अप्लाइड 5 जनवरी 2022 की टाइमलाइन है। सो अभी मैंने बोला था कि प्रोसेसिंग टाइम कम हो रहा है और जनवरी 2022 की पीपीआर भी हमें देखने को मिल रही है। सो 5 जनवरी 2022 की पीपीआर है, अपफ्रंट मेडिकल था इनका, 21 जनवरी को बायोमेट्रिक हुए थे एंड 20 मई को इनको पीपीआर मिल गई थी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना और शाम को पार्ट 2 हमारा 6 बजे शार्प आएगा, सो प्लीज उसे भी जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर मेरी वीडियो डेली देखते हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट, नीचे सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब का बटन टैप कर दो। सो मिलते हैं जी शाम वाली वीडियो में बहुत सारी पीपीआर के साथ। टिल देन, बाय बाय।